Assalamualaikum everyone, you're watching Kalam Camera Special और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद हैं अली आफ्ताब सईद साहब, सिंगर हैं, राइटर हैं, लिखते हैं और कहते हैं कि जूनियर तजियाकार है, लेकिन आज मैंने इनको भी बता दिया रिकॉर्डिंग से पहले कि हम इनको आज सीनियर तजियाकार बना देंगे। कैसे हैं आप अली? थैंक यू यशफीन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं कराची में हूँ और बड़ा मजा आ रहा है। खासतौर पे जब पंजाबी कराची जाता है ना, उसको लगता है कि वो एक किसी नए मुल्क में आ गया है और उसकी बहुत सी वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ पे एक्चुअली काम होता है काम और तेजी से काम होता है। मतलब मैं पिछले 3 दिन में 9 शोज रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। ये एक तो ये कि लाहौर में ऐसा करना बहुत मुश्किल है, 1 दिन में 3 शोज रिकॉर्ड करना। दूसरा, ठीक है हो भी जाता है, लेकिन वो इस तरह से होता है कि आप सुबह 10 बजे आते हो और अगली सुबह 5 बजे जाते हो। यहाँ आप यकीन कीजिए कि मैं 10 बजे स्टूडियो पहुंचता हूँ और 4 बजे मैं निकल रहा होता हूँ, सब कुछ हो चुका होता है। कहते हैं कि कराची जो है वो प्रोफेशनल लोगों का शहर है, यहाँ पे जो लोग हैं वो अपने काम, अपनी जिम्मेदारी का एहसास जो है वो बहुत अच्छा करते हैं और वक्त पर काम होता है, जैसे अभी आप खुद भी कह रहे हैं। लेकिन कराची में है तो स्विमिंग का क्रैश कोर्स तो हो गया होगा मेरे ख्याल है पिछले 1-2 बिल्कुल, वो स्विमिंग का क्रैश कोर्स हुआ है। यहाँ तक कि कल जब थंडरस्टॉर्म आया है तो मैं 2 दरिया पे था, तो आप इमेजिन कर सकती हैं कि मेरे साथ क्या हुआ होगा। लेकिन फिर वही मसला है कि अनलाइक पंजाब, सिंध के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहा है, मतलब सिंध के साथ नहीं बल्कि कराची के साथ पर्टिकुलरली, कि हमने किसी एक पार्टी को, किसी एक इदारे को, किसी एक शख्स को जिम्मेदारी लेने ही नहीं दी कभी। तीन तीन आप समझ लीजिए कि स्टेक होल्डर्स एक वक्त में जब शहर चलाने की कोशिश करेंगे या बल्कि एक दूसरे पे जिम्मेदारी धरने की कोशिश करेंगे तो फिर यही होगा। मतलब आप जिम्मेदारी किस पे धरते हैं, क्योंकि ये बात कल से बहुत हो रही है। वैसे हमने पहले भी इस पे मजाक में भी बात की है, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, भुट्टो जिंदा है कराची में अभी तक? जी बिल्कुल है और रहेगा मेरे ख्याल में। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि आप एक किसी भी एक इलेक्शन में 21 सीटें पीपल्स पार्टी को जितवा के देख लें, अगर फिर 5 साल में वो कराची ठीक नहीं कर सकेंगे तो फिर भुट्टो मर जाएगा। लेकिन और इसी तरह आप MQM को करवा के देख, आप किसी को भी करवा के देख लें, लेकिन ये जो होगा ना कि कुछ किसी को दे दिया, कुछ किसी को दे दिया, तो फिर सब जिंदा भी रहेंगे और शायद ठीक भी कभी कुछ नहीं होगा। तो आप समझते हैं कि इसमें उनका कोई फिलहाल कसूर नहीं है, जब तक कंप्लीट अथॉरिटी नहीं मिलती वो इस मसले का कोई हल नहीं कर सकते। अच्छा, अभी आपने बार बार कहा, आप जाहिर है आपका ताल्लुक पंजाब से, आप लाहौर रहते हैं और यहाँ जो हम पिंडी और इस्लामाबाद और दूर दराज के पंजाब के इलाकों में रहने वाले, हम बड़े जेलस भी होते हैं आपसे, पता है क्यों? क्योंकि आप बुज़दार साहब के पास रहते हैं। थोड़ा सा बताएं ये जो ये एहसास है ये कैसा है बुज़दार साहब के करीब कहीं रहने का? बहुत अच्छा एहसास है। मेरे और उनमें तो कई चीजें कॉमन भी हैं। अच्छा, मसलन अभी इमरान खान साहब ने मेरे ख्याल में बुज़दार साहब के बारे में कहा है कि वो अभी सीख रहे हैं, तो मेरा और बुज़दार साहब का यही है सीन कि हमारा लर्निंग फेज खत्म ही नहीं होकर दे रहा, तो बहुत अच्छा लगता है। बल्कि इसमें एक और बड़ी मजेदार चीज जो मुझे पता लगी वो ये थी कि जब पिछले इलेक्शंस हुए हैं, आखिरी इलेक्शंस, तो इवेंचुअली बुज़दार साहब CM बन गए और उनके बनने में बहुत सारे फैक्टर्स थे, आप जानती ही हैं। लेकिन उससे पहले जब हमारी मुक्तदिर कुवतें और जितने और स्टेक होल्डर्स थे वो MPAs को फोन करके पूछ रहे थे कि आपके ख्याल में पंजाब में CM किसको लगाना चाहिए, कौन ये जिम्मेदारी अच्छे तरीके से निभा सकता है। तो सुना है कि सब MPAs यही कहते थे कि जी बड़ा सोचा है, तो अपने अलावा कहीं नजर रुक नहीं रही। वो शुक्र है कि बुज़दार साहब पे कुरा आ गया किसी और वजह से, वरना ये हर कोई CM बनने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसके अंदर एक सवाल ये भी है, वो तो आप ठीक कह रहे हैं, एंड आई नो कि ये हुआ है उस टाइम के ऊपर, बहुत सारे लोगों ने तो खाने वाने भी खिला दिए थे हल्के में कि हम चीफ मिनिस्टर बन गए। लेकिन ये जो बुज़दार साहब के ऊपर नजर ठहर गई खान साहब की, वो ऐसी ठहरी है कि वो हटके नहीं देती, इसके पीछे क्या आप समझते हैं कोई राज है, क्या गीदड़ सिंगी है, मतलब क्या है बुज़दार साहब के पास? नहीं देखिए, अब तो हटनी चाहिए भी नहीं है, उसकी वजह यह है कि बड़ा मसला हो जाता है। देखिए मतलब CM आज अगर ये स्टेप डाउन करते हैं तो फिर
जितने पंजाब में स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें क्यू भी है, एन भी है, उन सबको किसी एक पर मुत्तफिक करना, और वो आपको पता है जो लवाजमात इस्तेमाल होते हैं लोगों को अपनी तरफ लाने के लिए, वो इस वक्त हुकूमत को उस सारे मेस में पड़ने से कहीं बेहतर है कि मुजदार साहब रहें। तो बिल्कुल, मतलब अगर आप इमरान खान साहब के परस्पेक्टिव से देखेंगे, अगर आप पीटीआई के परस्पेक्टिव से देखेंगे, तो वो तो शायद बेहतर यही है उनके लिए कि मुजदार साहब रहें। गुजार साहब, अच्छा, दो साल हुकूमत को पार्लियामेंट्री जो दो साल है वो मुकम्मल हुए हैं, तब्दीली को कैसा पाया आपने? आपकी जिंदगी में कोई तब्दीली आई है? एक तब्दीली का तो मुझे पता है, आपने शादी कर ली है दो सालों के अंदर, लेकिन उसका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, उसके अलावा कोई तब्दीली आई है? बस देख लें, वो तब्दीली और ये तब्दीली, मतलब मुस्बत कोई नहीं आई। आपने घर जाना है वापस के कोई इरादा नहीं है? देखिए, मसला ये है कि हम तो तब्दीली के बहुत ज्यादा दाई नहीं थे इलेक्शन से पहले भी, और वजह ये है, ये नहीं है कि हम नहीं चाहते कि तब्दीली आए, बिल्कुल आनी चाहिए, लेकिन इस तरह से आएगी नहीं। एक बहुत बड़ा मसला ये है कि इस वक्त खास तौर पे जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, उनको, उनके ज्यादातर का ख्याल ये है कि शायद पाकिस्तान 10 साल पहले बना था। आप कोई भी मसले की बात करें तो वो या जरदारी से शुरू हो रहा है या वो नवाज शरीफ से शुरू हो रहा है, तो उनको ये एहसास नहीं है कि ये अकाउंटेबिलिटी और ये एहतसाब और ये और वो सब कुछ जिसकी ये बात हो रही है, ये सब कुछ हो चुका है, ये सब कुछ हम देख चुके हैं। तो इस तरह से तब्दीली आएगी नहीं, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर वो मतलब एंटिसिपेट कर रहे हैं तब्दीली, वो अगर उनकी मुस्बत सोच है इस बारे में तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से होता नहीं है, आज तक हुआ नहीं है, तो होगा भी नहीं। आप इलेक्शन से पहले भी दाई नहीं थे, वैसे किसको वोट किया था आपने इलेक्शन में? और ये जो भी तब्दीली की बात आप करें कि ऐसे नहीं आएगी, तो खान साहब तो वो कहते हैं कि हम इंसाफ के स्लोगन पर आए हैं, हम अकाउंटेबिलिटी के स्लोगन पर आए हैं, तो जो लोग, जैसे अभी आपने भी कहा कि इस तरह तब्दीली नहीं आती है, पिछले अदवार में भी हमने देखा है, लेकिन अगर पीटीआई इससे हट जाती है तो वो तो फिर अपने इलेक्शन स्लोगन से हट जाएगी ना, उनके लिए आप अगर उनके पर्सपेक्टिव से देखें तो मुमकिन नहीं है इस आइडिया से अलग होना। देखिए, पीटीआई बहुत जगहों पे अपने स्लोगन से हट चुकी है, मिसाल के तौर मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में नहीं है, बीमार हैं। अब देखिए, इंसानी हमदर्दी के ग्राउंड पे जाने दिया, ना जाने देते तो भी हम कहते कि ये देखें ये क्या कर रहे हैं, ये बड़ा एक इनह्यूमन एटीट्यूड है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो बात ठीक है आपकी, लेकिन फिर वही बात है कि देखिए, कोई भी नजरिया हो ना, कोई भी, जब वो अमल की हालत में आता है तो उसको अपनी एक चीज से दस्तबरदार होना पड़ता है, और वो है उसकी परफेक्शन का दावा। तो इलेक्शन जो आपका मंशूर था उससे हटना तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, उसकी वजह ये है कि जो भी पार्टी आती है वो हटती है, पीटीआई को बल्कि ज्यादा ग्राउंड लूज करना पड़ेगा इन एनी केस, उसकी वजह ये है कि इन्होंने तो ख्वाब ही बहुत ज्यादा बड़े बेच दिए थे। लेकिन जहां तक बात है कि करना क्या, असल मसला ये है कि अगले इलेक्शंस में जाते हुए लोगों का तासुर क्या है। ये शिवम विज साहब हैं, वो एक किताब लिख रहे थे इंडिया में, वो पता नहीं पब्लिश हुई है या नहीं हुई, लेकिन उसका बड़ा मजेदार वो किताब है, और वो किताब ये है कि उन्होंने सर्वे किया, बहुत सारे लोगों के पास गए जो कि एक रात पहले किसी कोई जलसा सुन के आए थे या कोई कॉन्सर्ट सुन के आए थे, और उन्होंने लोगों से पूछा कि कल आप फलाने जलसे पे थे तो उस बंदे ने क्या बात की, किसी को नहीं याद था। वो लोगों के पास गए कि कल फलाने का आप कॉन्सर्ट सुन के आए हैं तो उसने कौन से गाने गाए, किसी को नहीं याद था कि गाने कौन से गाए, सबको सिर्फ ये पता था कि मजा आया या मजा नहीं आया, ठीक हो गया। तो हाँ, तो बेसिकली ये किसी को ये याद नहीं रहेगा कि इनके वादे क्या थे, ये वादों पे पूरा उतरे, किस वादे पे उतरे, किस पे नहीं उतरे। जो याद रहेगा अगली दफा वोट कास्ट करने से पहले, वो ये है कि चस आई या चस नहीं आई। चले, वो तो मेरा ख्याल है जब दोबारा इलेक्शन टाइम आएगा तभी देखेंगे कि आवाम जो है वो क्या डिसाइड करती है। अच्छा, थोड़ा सा क्योंकि हम पॉलिटिक्स पर बात कर रहे हैं, और अभी आपने नवाज शरीफ साहब का भी हवाला दिया, ये जो नैब ने अभी कुछ दिन पहले मरियम नवाज को रीलॉन्च कर दिया, इसको आप कैसे देखते हैं?
हाँ मुझे, मैंने तो बल्कि इसके बारे में ट्वीट भी की थी। मैंने कहा मुझे तो शक हो रहा है कि कहीं हकूमत ने नून लीग को प्रमोट करने के पैसे तो नहीं पकड़ लिए। तो प्रमोशन की है बात, हकूमत ने नून लीग की। हाँ बात ये है कि ऐसी चीजें जिनको कवरेज नहीं मिलनी चाहिए, जो कि बहुत स्मूथली हो जानी चाहिए, वो भी नहीं हो पाती। अब फिर वही बात, यहाँ पे आपको दोनों तरह से, मैं देखिए ऑन फील्ड रिपोर्टर नहीं हूँ, मैंने कई ऑन फील्ड रिपोर्टर्स से पूछा कि वहां पर क्या हुआ। कुछ ने कहा जी कि पुलिस की तरफ से पहल की गई, कुछ ने कहा जी कि नहीं, मरियम साहिबा खुद अपने साथ पत्थर और पता नहीं क्या कुछ लेकर आई हुई थी और उन्होंने शुरू किया। अच्छा, अब इन दोनों में से कोई भी बात ठीक हो सकती है, लेकिन अगर ये बात भी दुरुस्त है कि पहल मरियम साहिबा और उनके जो सात लोग आए हुए थे उन्होंने की, तब भी ये मामला बड़ी एमिकेबली सुलझाया जा सकता था। तब भी इसको ऐसे, मतलब रियासत एक बड़ी, रियासत की मशीनरी एक बड़ी चीज होती है, रियासत एक बहुत बड़ी चीज होती है, ये इस तरह से अगर वो कंट्रोल करना चाहे तो बड़े आराम से कर सकती हैं। तो ये मैं तो कहूंगा कि हुकूमत नाकाम हुई है उस दिन। उस दिन हुकूमत नाकाम हुई है। अच्छा ये कुछ मैं थोड़ा सा आपसे आपके काम के बारे में भी बात करनी है, लेकिन ये कुछ नाम है मेरे पास, इनको सुन के पहला पहली चीज क्या आपके जहन में आती है, पहले वो थोड़ा सा बता दें उसके बाद करते हैं। फयाजुल हसन चौहान मैं अब अपने आप को सेंसर कर रहा हूं। सेंसर नहीं करता, जो जो दिमाग में आ रहा है बोल देना है। इतना मुश्किल सवाल तो नहीं है, फयाजुल हसन बहुत चौहान। मुश्किल, मेरे जेन में जो लफ्ज आ रहे हैं ना, मैं उसके बारे में सोच रहा हूं कि नहीं, ये काबिले इशाअत नहीं है। हाँ नहीं, हाँ पब्लिश होने के काबिल होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, कैरियर तो काबिल होना चाहिए। बिल्कुल, आप फिर उसके लिए आप यही कर लें कि सेंसर या सेंसरशिप का लफ्ज। उनके लिए ठीक हो गया। ओह, राजा रियाज मैं बहुत बड़ा फैन हूँ राजा रियाज का, फैन है आप? बहुत बड़ा फैन हूँ राजा रियाज साहब। कुछ भी टीवी पर कहने से नहीं घबराते, ये तो है। और मेरा मेरा उनके साथ ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि दो तीन दफा हम किसी चीज के ऊपर शो करना चाहते थे और जिस शख्स को फोन करते थे वो कहता था कि जी मैं तो इसके ऊपर टीवी पर आके बात करने को तैयार नहीं। राजा साहब को जब भी फोन किया उन्होंने कहा मैं हाजिर। हाँ वो तो हाजिर तो वो हाँ दुरुस्त है, ये सही कह रहे हैं आप उनके बारे में। हाँ तो मेरे ख्याल में उनके लिए मैं हाजिर एक ये अच्छा अच्छा हो गया। अच्छा खादिम हुसैन रिजवी, वो तो कायद है हमारे। कायदे हाँ, उनके लिए कायद का लफ्ज आप, ठीक हो गया। तो मेरी तरफ बिलावल, से बिलावल भुट्टो सरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी दोस्त हैं। दोस्त है। हाँ वो दोस्त हैं, और वही बात, आपने मुझे कभी नहीं देखा होगा कि मैं ट्विटर के ऊपर उनको कोई डिफेंड कर रहा हूँ। कई बातें होती हैं, वो इस वक्त हुकूमत में है सिंध में, बहुत सारे सिंध के अंदर मसाइल हैं, बहुत ज्यादा उन पर तनकीद होती है, मैं कभी उनको डिफेंड करने नहीं आया। और इसका मैं ये सिर्फ इसलिए तमहीद बांध रहा हूँ कि ये बताने के लिए कि मेरा पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बहरहाल वो अच्छे दोस्त हैं। अच्छे दोस्त हैं। फिरदौस आशिक कबाब, फिरदौस आशिक कवान तो कुड़ी सियालकोटी, मतलब वो जो है ना, मतलब एक बाकायदा वो सियालकोट से पता लगता है कि वो हैं, और मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सियालकोट का और अवामी खान। सियालकोट के लोगों का, बल्कि दो तीन जनरेशन पहले मेरा भी दादका सियालकोट से है। अच्छा, सही हो गया। तलाल चौधरी साहब, तलाल चौधरी, तलाल चौधरी वो जैसे को तैसा के तौर पे तो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, मतलब अगर पीटीआई की भी क्यादत बैठी हो टीवी शो पर और तलाल चौधरी साहब भी हो तो मजा आता है, इटकड़क का होता है। मजा अकेले वो शो पे बैठे हो तो फिर बंदा चैनल स्विच कर देता नहीं आता। है। मुराद सईद, 200 बिलियन डॉलर 200 बिलियन डॉलर, मरियम नवाज शरीफ। ब्रांड्स, ओह ब्रांड्स, इसके अलावा कुछ नहीं आता जहन में। नहीं वो तो मतलब उन्होंने अगर
आठ चीजें जेबतन की होती हैं, तो वो आठ की आठ मुख्तलिफ ब्रांड्स की होती हैं, तो वो तो हर वक्त ब्लिंग ब्लिंग कर रही होती हैं। वो ब्लिंक ब्लिंक करी होती है, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा थोड़ा सा अब आते हैं आपके काम की तरफ। पहले तो मुझे ये बताएं व्हाई जूनियर तजिया का। जूनियर तजियाकार इसलिए क्योंकि मेरे ख्याल में सीनियर आप तब होते हो जब आपके पास LDA, CDA और DHA में प्लॉट होते हैं। उसके बगैर कोई चांस नहीं है। सीनियर उसके बगैर आप सीनियर कैसे हो? तो काम से नहीं होता इंसान, अपने प्लॉटों से थोड़ी होता नहीं, है। प्लॉटों से होता ठीक है ठीक है, आपका फलसफा है प्लॉटो से होता है। अच्छा जब हाँ आप गाना गाते हैं, आपको गाना गाने का शौक है, जो गाने आप बनाते हैं आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, गाने का जो पैशन है वो कहाँ से आया? हाँ जी, मुझे गाने का तो पैशन अपने वालिद साहब और भाई की तरफ से आया, बहन की तरफ से आया, और बचपन से मेरी बकायदा घर पे एक खास किस्म की ट्रेनिंग के मतलब हमें पुराने गीत सुनाए जाते थे और सिंगर्स के बजाय हमारी पहचान म्यूजिक डायरेक्टर्स से थी। लेकिन एक और फिर मैंने जाहिर है मैं तो न्यूज इंडस्ट्री में आया था क्योंकि मुझे ब्रेक मिल गया, और मैंने अपने इंटरव्यू में भी ये कहा था, अब्दुल रऊफ साहब ने मेरा इंटरव्यू किया था पहला, और मैंने उनको कहा कि मैं तो म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ और मैं तो न्यूज में इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि ये टीवी चैनल है, तो शायद किसी दिन इसकी वजह से मेरे म्यूजिक मैं कर सकूंगा। लेकिन जाहिर है वो फिर आपको तो सारी कहानी पता ही है कि किस तरह से फिर वो शुरू हुआ सारा मामला। असल चीज ये है कि म्यूजिक एक बहुत जनरेशनल चीज है। अभी होता क्या है कि आपने बाहर भी काम होता है लेकिन पाकिस्तान में तो रिवाज ही नहीं है कि बूढ़ा आदमी कॉन्सर्ट सुनने जाएगा, बूढ़ा आदमी एल्बम खरीदेगा, बूढ़ा आदमी पैसे नहीं खर्चता, ये सिर्फ यंगस्टर्स करते हैं। तो बेसिकली होता ये है कि आप जब खुद कॉलेज यूनिवर्सिटी में होते हो तब आप आर्टिस्ट बनते हो या बैंड बनाते हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे आपको सुनते हैं, आपका काम खरीदते हैं, उसके बाद आप बड़ा होना शुरू हो जाते हो, तो वो जो आपका फैन क्लब होता है वो भी फिर आपके साथ साथ ग्रो करता है और वो आपको टिल द एंड आपके साथ रहता है। अभी हमारे यहाँ पे केस ये है कि मैं अब जो म्यूजिक बनाता हूँ वो बच्चों के लिए नहीं है, वो बच्चों के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे मेरी सेंसिब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी सेंसिबिलिटी नहीं है उस म्यूजिक की जो आजकल के बच्चे सुनते हैं, मेरे पास वो लिंगो ही नहीं है, मुझे मेरी जुबान आउटडेट हो गई है, जो आज के बच्चों की जुबान है वो मेरी जुबान ही नहीं है। अब लेकिन मसला ये है कि जिनके लिए मैं म्यूजिक बनाता हूँ वो म्यूजिक खरीदते नहीं है, वो बायर ही नहीं है म्यूजिक के, तो वो ये एक बहुत पाकिस्तान में खास तौर पे एक बहुत ये टाइमिंग इसके लिए चाहिए कि आप कब म्यूजिक में आते हो, क्योंकि जब आप म्यूजिक मतलब फिर वही बात है, मैं तो शायद 4 साल की उम्र से म्यूजिक कर रहा हूं लेकिन मेरा जो पहला काम पब्लिश हुआ था तो तब मैं कॉलेज में नहीं था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस दौर में अपना काम पब्लिश करना शुरू होते हो और उस वक्त आप उस दौर के यंगस्टर्स को अपील करते हो ताकि फिर आप उस फैन क्लब को लेके आगे चलते हो। अब देखें अनफॉर्चुनेट मामला पाकिस्तान में ये है कि क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो इसको जरिया मुआश बना पाते हैं, तो इसलिए वो यहाँ पे अगर 10 यंगस्टर्स होंगे जो कि बहुत अच्छे म्यूजिशियंस हैं तो उसमें से परस्यू तो वही करता है ना जिसके पास पैसे हैं, क्योंकि शौक से ही कर सकता है ना, इसमें से पैसे कमाने वाला तो फौरी तौर पे तो तरीका कोई नहीं है, और इवेंचुअली भी बहुत ही कुछ लकी लोग होते हैं जो पाकिस्तान में म्यूजिक से पैसे कमा पाते हैं। म्यूजिक से पैसे कमा पाते हैं, सो ऑब्वियसली इन दैट सेंस इट्स अ डिफिकल्ट फील्ड। अच्छा जो काम बल्कि शुरू में तो कुछ म्यूजिक भी आपने ऐसा किया कि जिसको आपने लैंग्वेज उसकी जो है वो थोड़ी सी लाइट हार्टेड रखी, उसको थोड़ा सा ह्यूमर की तरफ लेकर गए, लेकिन बातें बड़ी सख्त रखी आपने उसके अंदर। तो ये जो ख्यालात है, ये जो आइडियाज है, ये कहाँ से आते हैं और इस पर कभी डिड यू एवर हैव टू फेस द म्यूजिक फॉर दैट ऑल्सो? बिल्कुल, देखिए होता पता है क्या, एक तो आइडियाज कहाँ से आते हैं, तो बिल्कुल वही है कि करना मैं म्यूजिक चाहता था, नौकरी न्यूज चैनल में की और फिर दोनों को मिला दिया और बाकी आपके सामने एक काम। हिस्ट्री हाँ, दूसरी चीज ये है कि देखिए बिल्कुल हर रोज म्यूजिक फेस करना पड़ता है
और बहुत मुख्तलिफ तरीकों से करना पड़ता है। मुझे नौकरी नहीं मिलती, मुझे कारोबार नहीं मिलता, नहीं करने दिया जाता, मेरे बहुत चीजें हैं जो मेरे साथ मुझे फेस करनी पड़ती हैं। मतलब आपके ख्याल में क्यों नहीं लोग वो वाला म्यूजिक करते जो मैं करता हूँ? मतलब फिर वही बात के 24 करोड़ की आबादी है, कुछ 6 लाख तो सुनने वाले होंगे ना हर तरह के म्यूजिक को। और वही बात कि अगर आपको 6 लाख बंदे सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सक्सेसफुल हो। तो क्यों वो लोग नहीं कर रहे जो मैं कर रहा हूँ? क्योंकि उसके बाद जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है और हर वक्त एक खटका लगा रहता है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जब जिसमें वैसे भी कोई सेफ्टी नेट नहीं है। आज आपको कुछ हो भी जाए तो रियासत की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो आपके लिए कुछ करेगी। तो जहां पे वैसे ये हालात हों उसमें उसके ऊपर रिस्क ले लेना, तो ये जाहिर है मतलब मैं वही बात है कि ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि मैं को बड़ा बेलॉस करता हूं लोगों के लिए करता हूं। इंसान जो भी करता है उसकी होती सेल्फिश रीजंस ही हैं। मतलब मेरे लिए इस वक्त मौके पे पैसे कमाने से ज्यादा शायद इंपॉर्टेंट है लेगेसी छोड़ना, और ये मेरे लिए है तो ये है तो बहुत ज्यादा सेल्फिश रीजन। लेकिन बस क्योंकि है मेरी, हर बंदा अपनी तबीयत लेके पैदा होता है, मैं ऐसी तबीयत लेके पैदा हो गया हूँ तो बस मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, सही हो गया। लेकिन जैसे आपने कहा कि वो कॉम्बिनेशन आपका जो है वो इस तरह का हो गया कि फिर आप इस तरह की बातें करने लगे, मुश्किल मुश्किल थी और सब थी। अच्छा चले, आपका एक गाना आजकल हम वो राहत इंदौरी साहब के इंतकाल के बाद हमने देखा कि आप और यू वर लकी इनफ कि आपको वक्त पहले मिल गया कि आपको इजाजत मिल गई उनसे, वो मैंने आपका इंटरव्यू देखा जिसमें आपने बताया, तो उनका एक ही गाना आपकी नई एल्बम में हम सुनेंगे या आपने कोई और भी उनकी उनका जो है वो सेलेक्ट किया है कलाम, और अगर वो सुना भी दें हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा? जरूर, कौन सा सुनाना है? मैंने वैसे दो उनकी सिलेक्ट की हैं। नहीं, आपने एक जो रिलीज तो भी आपने एक ही किया है मेरा ख्याल है, दूसरा नहीं किया, तो दूसरा वाला कौन सा कलाम कौन सा है वो बता दें, बेशक सुनाए वही जो रिलीज किया है, कोई इशू नहीं है। हाँ, दूसरा है अगर खिलाफ है होने तो जान थोड़ी है, ठीक है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी। व्हेन इज योर एल्बम कमिंग, कब आ रही है? इन अ कपल ऑफ मंथ्स। वो असल में आपको पता है ना, होता ये है कि हम लोग के पास पैसे तो मेरे पास होते नहीं है, तो अब वो ये है कि इकट्ठे कर कर के आ रहे होते हैं। मतलब मैं स्टूडियो जाता तभी हूँ जब मेरे पास पूरे कॉम्पोजिशंस, पूरे लिरिक्स सब कुछ हो चुका होता है, लेकिन वो क्योंकि स्टूडियो को मैं एडवांस पे नहीं कर पाता तो इसलिए वो ड्रैग होता जाता है मामला। तो लेकिन ये है कि 2 से 2.5 महीने में हो जाएगा। दूसरा एक और चीज, बहुत अनफॉर्चुनेट मामला ये हुआ है कि म्यूजिक एक विजुअल मीडियम बन गया है। मतलब आप गाना रिलीज करो ऑडियो, नोबडी लिसंस टू इट, जितना मर्जी अच्छा हो कोई नहीं सुनता। इन्वेस्ट करना पड़ता है, वीडियो पे इन्वेस्ट करना पड़ता है। लोग गाना डाउनलोड करके सुनते ही तब है जब उनको वीडियो पसंद आता है। मतलब अब लोग पहले देखते हैं और बाद में सुनते हैं, तो मतलब मैं ठीक गलत नहीं कह रहा, इतने लोग ये कर रहे हैं तो वही ठीक होगा जो वो कर रहे हैं, मैं ही गलत हूंगा। लेकिन सिर्फ मसला ये है कि अब इसकी वजह से और भी ज्यादा पैसे चाहिए। जाहिर है वो उसके अंदर वो जो कॉस्ट वाला एलिमेंट है वो बढ़ गया है। चले वही सुना दीजिए जो अभी आपने रीसेंट गाना रिलीज किया है। बिल्कुल, उसकी कथे आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू पाकू छुरियां बुरियां खंजर वंजर सब, जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं, जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर बादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर सब, उसकी कथई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू पाकू छुरियां बुरियां खंजर बंजर सब। It's a beautiful composition. ये आपने इसकी composition भी आप खुद की है, आपने it's beautiful. बहुत ज़्यादा शुक्रिया। लेकिन बहुत खूबसूरत है, और ये मैंने आपको भी प्रोग्राम से पहले भी बताया कि मैं तो आजकल वैसे भी इसको गुनगुनाती रहती हूँ, बहुत प्यारा। बहुत ज्यादा शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपको पसंद आई। लेकिन आप जरा किसी भी फारिग वक्त पर पटारी के पेज के ऊपर जाकर फेसबुक पे इसके नीचे कॉमेंट्स पढ़िएगा, लोगों ने मां बहन कर दी है। क्यों? और कोई एक बंदा नहीं है जिसको
मतलब अच्छी तो छोड़े हैं, जिसने ये कह दिया हो कि यार बस चलो मुनासिब सा है काम, नहीं सिर्फ और सिर्फ गालियां। देखिए वही मसला है कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई बहुत बड़ा पीस ऑफ आर्ट है, नहीं होगा अच्छा, लेकिन और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप मेरी हम उम्र हैं, आप यकीनन छोटी ही होंगी, लेकिन बहरहाल बहुत ज्यादा एज डिफरेंस नहीं है, तो हमारी म्यूजिक की सेंसिबिलिटी थोड़ी सी मिलती जुलती है। अब जो बच्चे हैं, और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि वो गलत है और मैं ठीक हूँ, वही ठीक होंगे, वो इस वक्त सब कुछ है क्योंकि देर द पीपल हु स्पेंड ऑन म्यूजिक, लेकिन उनकी म्यूजिक की सेंसिबिलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। नहीं, लेकिन इसमें और एक और दूसरे सवाल है, सेंसिबिलिटी डिफरेंट होना, मुझे ये गाना पसंद ना आना, ये एक अलग चीज है। ये जो कल्चर आ गया गाली देने का, ऑनलाइन जाके जिसको दिल चाहे जो दिल चाहे कह देने का और बगैर सोचे समझे कह देने का, इसके बारे में आपका ख्याल है? वही जैसे क्या ख्याल है, बिकॉज जैसे आपने कहा मुझे अगर आपका गाना नहीं पसंद तो इट्स फाइन, नहीं पसंद गाली देने की क्या जरूरत है? हाँ बिल्कुल, देखें और लोगों को ना मतलब वैसे तो असूलन तो ये होना चाहिए कि हम भी मतलब हर कोई गाली निकालता है, लेकिन फिर भी मसला है कि एक तरफ रियासत की मशीनरी इस्तेमाल हो रही है तो आप को तनकीद का हक थोड़ा सा ज्यादा है कि यार ये रियासत पे तो हम सबका हक है ना, आपका भी है मेरा भी है हर एक का है, तो जब रियासत कुछ गलत कर रही है या रियासत किसी एक शख्स को ज्यादा नवाज रही है या रियासत किसी गलत इंसान को नवाज रही है, तो आप कहते हो कि यार क्योंकि मेरा भी इसमें हक था तो मेरा तनकीद का भी हो। अब जिस तरह ये है कि या तो मुझे पाकिस्तान गवर्नमेंट के किसी इदारे ने ये गाना बनाने के पैसे दिए होते और उसके बाद लोग कहते कि यार इतने इतना बुरा गाना नहीं, अपने खर्चे पे बनाया है, गन पॉइंट पे आपको सुना भी नहीं रहा, पसंद है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं पसंद तो ना सही वाला चक्कर है, लेकिन बहरहाल गालियां देते हैं लोग और थिक स्किन आपको करनी पड़ती है और कोई इलाज नहीं है, क्योंकि देखिए ट्रोल को तो अटेंशन चाहिए, वो तो गाली निकाल ही इसलिए रहा है क्योंकि वो अगर कोई बड़ी अः तनकीब करेगा जिसकी जो वाकई मेरिट रखती होगी तो अटेंशन कैसे मिलेगी, अटेंशन मिलेगी गाली पे। ऐसा ही है। नहीं, इसके ऊपर ना किसी कुछ अरसे के बाद एक अलग से सेशन करेंगे, इस ट्रोलिंग के ऊपर, इस गाली कल्चर के ऊपर। जो अभी आपने कहा ना कि थिक स्किन करनी पड़ेगी, हम कितनी स्किन थिक करें ये भी एक सवाल है। मतलब एक जनरल ट्वीट इस वक्त अगर मैं आपको कर दूं, आप तो पटारी के पेज की बात करें, आप मेरे ट्वीट के नीचे जाके कॉमेंट्स पढ़ लीजिए, आप हैरान हो जाएंगे कि मतलब क्या कह दिया है ऐसा कि आपको गाली देने की जरूरत पड़ रही है। तो ये भी कभी कभी हम अपने आप से सवाल करते हैं कि हम कितना थिक स्किन कर लें अपने आप को, ये भी तो एक सवाल है ना, हम भी इंसान है आखिर। तो इस पर डेफिनेटली दोबारा कभी सेशन करेंगे। आज के लिए आपने मुझे बहुत सारा टाइम दिया, हालांकि आप बहुत बिजी भी थे, आप कराची काम से गए हुए, लेकिन थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, आपका थैंक यू, आपकी वजह से मैं सीनियर हो गया हाँ देखा, मैंने आज आपकी प्रमोशन कर दिया, आज आप सीनियर तक दिया। हूँ। इसके बाद जूनियर कारना लिखा करें अपने अपने उसके साथ, काम के मेरे साथ। ख्याल में अभी वो बीच में ना मैं मंझले के उसमें आ जाता हूँ। हाँ ठीक है, थोड़ा सा ऊपर चले जाए, एक आधा प्लॉट ले लेना कहीं, ठीक 5 मिनट का। ठीक है, है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका टाइम, आपके टाइम का। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने सुना कलम कैमरा का ये स्पेशल लाइव सेशन अली आफ्ताब सईद के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।